नाजरीन आप तमाम का Z9 उर्दू न्यूज़ में खैर मकदम है। BRS MLC के कविता को दिल्ली की अदालत में किया गया पेश। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में भारतीय राष्ट्र समिति यानी BRS पार्टी के MLC के कविता को हफ्ते के रोज यहां की एक अदालत में पेश किया। अदालत में पेश किए जाने के दौरान कविता ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हम इस मुकदमे को अदालत में लड़ेंगे। मरकजी एजेंसी ने कविता को कल शाम हैदराबाद के बंजरा हिल्स में वाकई इनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार करते हुए दिल्ली मुंतकिल किया था। ईडी ने अदालत से रिमांड पेपर दाखिल किया और कविता के 10 दिन के रिमांड की मांग की गई। ईडी ने रिमांड पेपर में इनके और दिगर के दरमियान चैट के स्क्रीन शॉट्स भी शामिल किए। ईडी की जानिब से वकील जोहेब हुसैन, एनके माता और कविता की जानिब से विक्रम चौधरी और वजिया साफी ने दलायल पेश किए। के कविता के वकील ने अदालत में दलायल देते हुए कहा कि कविता का BP हाई है और ECG भी बुलंद है। कविता को सुबह 3 बजे इंजेक्शन भी दिया गया जबकि इनकी BP बहुत ही ज्यादा हाई है। कल कविता के वकील को भी इनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि कविता की जानिब से मुकम्मल ताउन किया जा रहा है। ईडी के सामने तहकीकात में कविता ने मुकम्मल मदद की, अपना फोन भी दिया और इन्हें जबरदस्ती हिरासत में भी लिया गया। वकील ने अदालत को बताया कि ईडी अपनी कार्रवाई की ताकत का गलत